बैंकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन होम ब्रांच से जुड़े FAQ के बारे में, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट है तो आप नॉन होम ब्रांच में सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और अगर आपके मन में भी नॉन होम ब्रांच को लेकर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपका सवाल रिलेवेंट हुआ तो मैं अगले वीडियो में आपके नाम के साथ उस सवाल को जरूर लूंगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, इससे आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये हमारा नॉन होम ब्रांच से जुड़ा पहला सवाल है। चलिए पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ, फिर उसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आई हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट विद SBI पटना ब्रांच एंड रिसीव्ड कैश पेमेंट ऑफ ₹15 लाख एट लखनऊ। कैन आई डिपॉजिट कैश ऑफ ₹15 लाख इन माई सेविंग बैंक अकाउंट एट एनी ब्रांच एट लखनऊ? यानी कि मेरा पटना के किसी SBI ब्रांच में सेविंग अकाउंट है, लेकिन मुझे लखनऊ में 25 लाख रुपए नगद मिला है, तो क्या मैं लखनऊ के किसी SBI ब्रांच में 15 लाख को डिपॉजिट कर सकता हूँ या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप नॉन होम ब्रांच में जितना चाहे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। आई हैव ए नॉन चेक सेविंग बैंक अकाउंट विथ रायपुर ब्रांच ऑफ SBI। कैन आई विदड्रॉ मनी फ्रॉम माई सेविंग बैंक अकाउंट फ्रॉम बेंगलुरु ब्रांच? तो इसमें यह है कि एक नॉन चेकबुक सेविंग अकाउंट है। नॉन चेकबुक सेविंग अकाउंट यानी कि ऐसा सेविंग अकाउंट जिसमें चेकबुक की फैसिलिटी नहीं है, और मेरा यह अकाउंट रायपुर के किसी ब्रांच में है, SBI के ब्रांच में है, तो क्या मैं बेंगलुरु के किसी ब्रांच से कैश विदड्रॉल कर सकता हूँ? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पहला तो आपके पास चेक नहीं है, तो आप विड्रॉल फॉर्म से पैसे निकालेंगे और आप 5000 से ज़्यादा विड्रॉ नॉन होम ब्रांच से नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पासबुक भी साथ में रखना पड़ेगा। तो ये हमारा तीसरा सवाल है। आई हैव ए सेविंग बैंक अकाउंट विथ SBI शिमला ब्रांच। आई हैव बीन रिसेंटली ट्रांसफर्ड टू मुंबई। आई हैव चेकबुक ऑफ माई अकाउंट विथ मी एंड आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ कैश ऑफ ₹1,50,000। कैन आई विड्रॉ बाई यूजिंग चेकबुक फ्रॉम माई सेविंग बैंक अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ मुंबई? यानी कि मेरा सेविंग अकाउंट शिमला के किसी SBI के ब्रांच में है, लेकिन मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया है और मुझे अर्जेंटली 1,50,000 चाहिए, तो क्या मैं मुंबई के किसी ब्रांच से 1,50,000 रुपए चेक के जरिए निकाल सकता हूँ? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नॉन होम ब्रांच में चेक के थ्रू जो विड्रॉल की मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 है, तो आप 50,000 रुपए ही नॉन होम ब्रांच से निकाल सकते हैं चेक के माध्यम से। और यदि आपके पास चेक ना हो तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि विड्रॉल पर्ची से आप 5,000 रुपए निकाल सकते हैं। चौथा सवाल लेते हैं। आई हैव इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ माई सन फ्रॉम माई सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन्ड एट कोलकाता ब्रांच ऑफ SBI। कैन माई सन विदड्रॉ कैश यूजिंग दिस चेक फ्रॉम जयपुर ब्रांच ऑफ SBI? यानी कि मैंने मेरा सेविंग अकाउंट कोलकाता के किसी SBI ब्रांच में है और मैंने अपने बेटे के नाम से एक चेक काटा है, तो क्या मेरा बेटा जयपुर के किसी SBI ब्रांच से कैश विदड्रॉल कर सकता है उस चेक के माध्यम से? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। देखिए, नॉन होम ब्रांच से सिर्फ और सिर्फ सेल्फ विड्रॉल होता है, यानी आप खुद रहेंगे तो ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। नॉन होम ब्रांच से थर्ड पार्टी का चेक विड्रॉल अलाउ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव बीन रिसेंटली ट्रांसफर टू भुवनेश्वर एंड माई अकाउंट आर विथ SBI चंडीगढ़ ब्रांच। नाउ आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ चेकबुक। कैन आई गेट अ चेकबुक फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ SBI सिचुएटेड एट भुवनेश्वर? यानी कि मेरा सेविंग अकाउंट जो था वो चंडीगढ़ के किसी ब्रांच में था, SBI के ब्रांच में, लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया है भुवनेश्वर और मुझे अर्जेंटली चेकबुक चाहिए, तो क्या मैं भुवनेश्वर के किसी SBI ब्रांच से चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं, नॉन होम ब्रांच से आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। शुक्रिया।